शुभम कुमार बैक विद अनदर वीडियो। और गाइस आज के इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ OHE पोल्स की नंबरिंग को लेकर के। ये OHE पोल्स के ऊपर बहुत सारे डिफरेंट टाइप के नंबर्स लिखे हुए होते हैं। इन नंबर्स का बेसिकली मतलब क्या होता है, ये नंबर क्यों लिखे होते हैं, ये नंबर ड्राइवर को क्या नोटिफिकेशन देते हैं, वो क्या बताते हैं उसको, और कुछ बेसिक साइनेज के ऊपर चर्चा करने वाले हैं कि कुछ छोटे मोटे जो साइन लगा दिए जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, वो लोको वैलेट को क्या नोटिफिकेशन देते हैं, क्या उसको उनसे पता लगता है, क्या उनको उससे हेल्प मिलती है। इन सब बातों को लेकर आज हम जो है चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों अगर आपको बिल्कुल बेसिक नॉलेज लेनी है OHE पोल्स और उसकी वायर्स को लेकर के, जिसको कैटेनरी वायर्स कहते हैं, तो आई बटन में एक लिंक गिवन है, वहां से जाके आप चेक कर सकते हैं उस वीडियो को, और डिस्क्रिप्शन में भी मैं उस वीडियो का लिंक आपको प्रोवाइड करा दूंगा, सो दैट आप वहां भी जाके उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में हम OHE पोल्स की नंबरिंग और साइनेज को लेकर के चर्चा। बहुत ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं होने वाली, बहुत ज्यादा ब्रीफ में आपको जो है समझाने वाला हूं, तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से। जैसा कि कल की वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था, और काफी सारे लोगों ने मुझसे कमेंट सेक्शन में बताया कि उनको पोल नंबरिंग के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए, तो मैंने कहा चलो फटाफट से आप लोगों के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया जाए OHE नंबर्स को लेकर के। देखिए नंबर लिखे हैं, जैसे एक OHE पोल है, उस OHE पोल के ऊपर एक ब्लू कलर की प्लेट लगी हुई होती है, जैसे मेरी टी शर्ट है इस कलर की प्लेट लगी हुई होती है, और उस प्लेट के ऊपर येलो कलर से लिखा जाता है 31/5 एज द केस में भी, कोई भी नंबर, एक नंबर ऑब्लिक फिर दूसरा नंबर, इस तरीके से कुछ ना कुछ डिटेल्स दी जाती है। कभी कभी मैक्सिमम केसेस में ये अपॉन में होता है, मतलब ऊपर एक फैक्टर डिवाइड बाय नीचे दूसरा फैक्टर, इस तरीके से होता है, ठीक है। तो ऊपर क्या होगा 31/5 ऐसे लिखा हुआ होगा। अब ऊपर वाले जो भी नंबर ऊपर होगा उसका मतलब होता है कि कितने किलोमीटर का मार्क पीछे जा चुका है, ठीक है। जैसे कि मान लो ट्रेन ने चलना शुरू करा मुंबई से, ठीक है, तो हर कुछ किलोमीटर के बाद वो किलोमीटर के मार्क बनाते जाते हैं रास्ते में, ताकि ड्राइवर को पता रहे कि कितने किलोमीटर पीछे जाते जा रहे हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है, कुछ कुछ ऐसा ही है, जैसे हम लोग हाईवे पे कहीं जाते हैं तो वो आपको बताता रहता है ना कि दिल्ली के इतने किलोमीटर रह गए, या मुंबई अभी इतने किलोमीटर दूर है, और उसके साइड में आपने देखा होगा रोड के मार्क के साइड में कुछ वाइट कलर के पत्थर से लगे हुए होते हैं, जमीन में गड़े हुए, और उसके ऊपर आपके किलोमीटर एलैप्स लिखे हुए होते हैं कि कितने किलोमीटर बीत गए, ठीक है। सेम यही टाइप की इन्फॉर्मेशन जो है रेलवे में कन्वे कर रही होती है, तो वो इस तरह से किलोमीटर मार्क बनाते जाते हैं। अब जैसे मान लो 31 किलोमीटर बीत गए, ठीक है, तो जितने भी OHE पोल्स होंगे ना उनके ऊपर वाला नंबर 31 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उनके ऊपर वाला नंबर 31, ठीक है। अब वैसे तो इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा डिस्प्यूट है, लेकिन मैं फिर भी एक एवरेज लेके बता रहा हूं आपको। दो पोल्स के बीच में जो गैप होता है, दो OHE पोल्स के बीच में जो गैप होता है, वो होता है अराउंड 50 मीटर्स एज द केस में भी। ये गैप कहीं कहीं पर बहुत कम भी होता है, लेकिन एवरेज 50 मीटर की आती है। एक किलोमीटर को डिवाइड कर लो 50 से, अगर हम 1000 किलोमीटर को 50 से डिवाइड कर दें तो आंसर रह जाएगा लगभग 20, यानी कि लगभग 1 किलोमीटर के अंदर 20 पोल्स होंगे। तो ये नंबर किस तरह से चलते हैं आप सुनो, 31 किलोमीटर का मार्ग यहाँ पे आया, इसके बाद 20 खंबे आएंगे, कहते आएंगे 20 पोल्स आएंगे। अब ये 20 पोल्स की मार्किंग कैसे बनेगी, 31/1, 31/2, 31/3, 31/4, 31/5, 31/6, आया समझ में कैसे बनेगी, आया समझ में। अब मेरे साथ साथ बोलना एक बारी और, कैसे 31/1, 31/2, 31/3, 31/4, 31/5, 31/6, इस तरह से इनकी मार्किंग जो है चलती है। जैसे जैसे एक एक पोल बीतता जाएगा 31 के नीचे वाला नंबर बढ़ता जाएगा, ठीक है। अब इससे ड्राइवर को क्या पता लगता है, देखो ऐसा होता है कभी जब ड्राइवर अपनी जॉब ऑन करता है ना, सुबह ड्यूटी पे आते हैं, तो इनको एक कॉशन लेटर असाइन हो जाता है। अगर उनके जो रूट उनको असाइन हुआ है, जिस रूट पे उनको ट्रेन चलानी है, उसके अंदर कोई कॉशनरी सिचुएशन है, तो एक कॉशन लेटर दे देते हैं इनको। अब उस कॉशन लेटर में लिखा क्या होता है कि पोल नंबर 31/5 टू 31/8 के बीच में स्पीड रिस्ट्रिक्शन है, इतनी बात लिखी हुई होती है। अब ड्राइवर को ये कैसे पता लगेगा 31/5 कब आएगा या 31 किलोमीटर कब आएगा, तो वो कॉन्स्टेंटली जब ट्रेन चलाते हैं तो वो कॉन्स्टेंटली इन पोल्स के ऊपर नजर रखते हुए चलते हैं, इन पोल्स को देखते हुए चलते हैं कि कब 31/5 का मार्क आएगा, और उसके बाद मैं जो स्पीड रिड्यूस करनी शुरू कर दूंगा, ठीक है, और कब उसका जो लास्ट पॉइंट आएगा उसके बाद वो स्पीड बढ़ानी शुरू कर देगा।
एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट फॉग सिचुएशंस। फॉग सिचुएशन अगर मैं स्पेशली बात करूं, जैसे मैं खुद दिल्ली में रहता हूं, तो दिल्ली टू मथुरा के बीच में ये जो एरिया है नॉर्थ साइड का, ये डेंस फॉग वाला एरिया है, यहाँ फॉग बहुत ज्यादा होता है। तो इस एरिया में होता क्या है कि ड्राइवर को एक चार्ट पकड़ा दिया जाता है। क्या पकड़ा जाता है? एक चार्ट। उस चार्ट के अंदर सारे OHE पोल्स की डिटेल्स लिखी हुई होती है। जैसे कि अगर मैं बात करूं ओल्ड फरीदाबाद से फरीदाबाद न्यू टाउन, एक दो स्टेशन में एग्जांपल ले रहा हूं, अगल बगल के बिल्कुल, ठीक है, दिल्ली के स्टेशन से ही, क्या ओल्ड फरीदाबाद से फरीदाबाद न्यू टाउन के बीच में कितने OHE पोल्स पड़ेंगे, वो ऐसे पूरे सेक्शन की डिटेल होती है इनके पास, दिल्ली टू लेके मथुरा तक की। उस पे करते गए जैसे जैसे एक एक पोल क्रॉस करते जाते हैं, वो अपने जो चार्ट होता है उस पर टिकिंग करते चले जाते हैं। क्यों? 10 मीटर से ऊपर कुछ दिखता नहीं है, तो भैया स्टेशन कैसे पता लगेगा, स्टेशन आने वाला है, स्पीड कैसे घटाएंगे। तो ये क्या करते हैं, 20-30 किलोमीटर की स्पीड मेंटेन करते हैं और अपने कैबिन में बैठ के टेकिंग करते रहते हैं। इससे इन्हें पता लग जाता है कि कब स्टेशन आने वाला है, कब स्टार्टर आने वाला है, ठीक है। तो उस चार्ट में सारी डिटेल होती है कि 31/5 के बाद, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 31/5 के बाद फरीदाबाद ओल्ड का होम्स आ जाएगा, ठीक है। तो वो इन्हीं सब बातों को लेकर आगे बढ़ते हैं। छोटी सी साइनेज के ऊपर और बातें कर लेता हूं, थोड़ा सा वीडियो मुझे लगता है कि मैंने कहा था छोटा हो जाएगा, लेकिन ये तो लंबा ही हो गया है, ठीक है। आपने कितनी बार देखा होगा कि उसके ऊपर कुछ डायमंड सा साइन बना हुआ होता है, जैसे आप अभी देख सकते हैं एक डायमंड सा साइन बना होता है, नीचे लिखा होता है 500 मीटर। अब ये होता है कि न्यूट्रल सेक्शन अहेड है, मतलब न्यूट्रल सेक्शन आने वाला है 500 मीटर के बाद। न्यूट्रल सेक्शन क्या होता है, इसके ऊपर अभी 2 मिनट बाद चर्चा करता हूं, पहले मुझे थोड़ी सी और बातें डिस्कस करनी है। तो न्यूट्रल सेक्शन अहेड है, न्यूट्रल सेक्शन 500 मीटर के बाद आएगा, ये क्या बताता है, ये डायमंड साइन बताता है। बल्कि डायमंड साइन और चीजों के लिए भी हो सकता है, देखना हमें ये होता है कि नीचे क्या लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद जैसे आप देख सकते हो कि दो खंबे, मतलब दो आई और बीच में एक माइनस का साइन बना हुआ, जैसे अभी यहाँ पे देख सकते हो। अब ये जो साइन होता है, ये होता है कि न्यूट्रल सेक्शन इमीडिएटली अहेड, 500 मीटर वाली जो लाइन है ना, जो पहले 500 मीटर की नोटिफिकेशन आई है, उसका मतलब होता है कि ड्राइवर साहब जो ऊपर पेंटोग्राफ है उसके बटन पे हाथ रख लो। मतलब मैं एक देसी वो दे रहा हूं आपको, आप ये तैयार हो जाओ कि आपको बस 500 मीटर के बाद सेक्शन शुरू हो जाएगा, उससे पहले पहले आपको अपना पेंटो डाउन करना है। डन बाबू, बिल्कुल। उसके बाद जैसे इमीडिएटली अहेड है वहां पे वो अपना पेंटो डाउन कर देते हैं, और ये जो सेक्शन है ना न्यूट्रल सेक्शन वाला, इसकी स्पीड 10 या 15 से ऊपर नहीं होती, ठीक है। अब जैसे जैसे वो इसको क्रॉस करेगा, इमीडिएटली न्यूट्रल सेक्शन सामने आ गया है, पेंटो डाउन कर लेगा। उसके बाद पेंटो डाउन करने के बाद, उसके बाद जब वो आगे बढ़ जाएगा, तो उसके बाद जो आप साइन देख रहे हो इस टाइप का साइन आ जाएगा। इसका मतलब होता है कि जो न्यूट्रल सेक्शन था वो पीछे जा चुका, ठीक है। उसके बाद फिर से पेंटो अप कर लो। कुछ और साइन जो होते हैं पेंटो अप एंड डाउन करने के, वो भी न्यूट्रल सेक्शन के होते हैं, और समटाइम्स ट्रैक्शन चेंज के भी होते हैं, जब AC से DC में कन्वर्जन होता है। वो पहले सिर्फ मुंबई में चलता था, अब तो मुंबई में भी सारा AC कन्वर्जन हो चुका है, तो उन साइनेज अब रेलेवेंट नहीं है। सो बेसिकली मैं ये चाहता हूँ कि आप लोगों को अपडेटेड नॉलेज रखूँ, पुरानी नॉलेज लेके आप लोग करोगे भी क्या, ठीक है। अगर रही बात पेंटो वाली बात की, तो जो पेंटोग्राफ होता है उस पर प्रॉपर पेंटोग्राफ बना हुआ होता है, और अप एंड डाउन के एरो बने हुए होते हैं, ठीक है। तो वो बेसिकली देखते ही पता लग जाता है कि अब यहाँ पेंटो डाउन करना है और यहाँ पेंटो अप करना है। यहाँ आपने मुंबई में बहुत जगह देखा होगा WCM जो लोकोमोटिव है, WCM 3-2 वगैरह, ये सब लोकोमोटिव है, इनको पेंटो अप एंड डाउन करना पड़ता है, क्योंकि इनका जो एक पेंटोग्राफ है वो AC है, एक पेंटोग्राफ DC है। तो जैसे ही कन्वर्जन होता है, ये अपना DC वाला पेंटो डाउन करके AC वाला अप कर लेते हैं, और वाइस वर्सा। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आपको अब अच्छे से समझ में आ गया होगा क्यों नंबर होता है, क्या नंबरिंग होती है वगैरह वगैरह, सारी बातें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अगर अच्छे से क्लियर हो गई है ना, तो लगाइए सब्सक्राइब जरूर कर लेना, अपने दोस्त के साथ शेयर जरूर कर देना। अगर कोई आप अगर आप रेल फैन होंगे, रेल फैन की कम्युनिटी है, तो उसके साथ भी जरूर इसको शेयर करना, ठीक है गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने पूरी वीडियो को यहाँ तक देखा। और अगर आप हमें सोशल मीडिया लिंक्स पर फॉलो करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स गिवन है, आप वहां भी जाके चेक कर सकते हैं। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि आप क्या क्या चीजें यूज करते हो, तो मैंने फटाफट से डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक दे रखे हैं कि मैं कौन सा कैमरा यूज करता हूँ, मैं कौन सी लाइट, ट्राइपॉड, माइक, ये जो माइक मैं यूज कर रहा हूँ इस टाइम, हर चीज के लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहां भी जाके चेक कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, दिस इज शुभम कुमार साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।